हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स क्रिएशन। दिस इज कीर्ति एंड एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक रेसिपी वीडियो के साथ। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय टू फेवरेट रेसिपी जो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द रिमेनिंग राइस ऑफ आवर हाउसेस। तो ऐसा कभी कभी सबके घर में ज़रूर होता होगा कि राइस बच जाती होगी, एंड जो कि मुझे राइस बहुत पसंद है, मुझे राइस से रिलेटेड सारी डिशेस पसंद है, तो मैं कभी भी अपने घर की राइस को वेस्ट नहीं होने देती हूँ। एंड आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद राइस, कभी ज़ीरा राइस, कभी फ्राई करके खाना। सो ऐसी कुछ दो ऐसी रेसिपी है जिन्हें मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके बनाया था एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। सो मे बी ये आपको भी अच्छी लगे। So without any further ado, let's start the video. So guys, जो पहली रेसिपी है मेरी वो बहुत ही सिंपल रेसिपी होने वाली है। तो इसमें कुछ खास इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए रिमेनिंग राइस, जो भी आपके घर में बची हुई राइस है वो आप ले सकते हो। एंड उसके साथ चाहिए हमें ग्रीन चिलीज, जिनको हमें ये पीसेस में चॉप कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में, जितना छोटा आप कर सकते हो उतना ही टेस्टी ये डिश बनेगा। सो मैंने यहाँ पे 4 चिलीज का यूज़ किया है। एंड फिर हमें एक पैन चढ़ाना है जिसमें हमें डालना है थोड़ा सा घी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी घी डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो फिर आप इसमें 2-3 स्पून डाल सकते हो। मैंने भी इसमें 2 स्पून ही घी डाला है सो दैट मैं थोड़ा सा फ्राई कर सकूँ अपनी मिर्ची को। तो घी जैसे ही गर्म हो जाए आपको उसमें मिर्ची डाल देनी है, जो भी आपने मिर्ची चॉप करी है, जितनी भी चॉप करी है आप उसमें डाल दो। सो इसे हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसे घी के साथ गर्म करना है। एंड इसके बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हमें अपनी रिमेनिंग राइस इसमें डाल देनी है। मैंने इसमें जीरा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, इट जस्ट दैट कि हमें घी की ज़रूरत है, मिर्ची की ज़रूरत है, नमक की ज़रूरत है एंड द राइस। तो ये है हमारा बेसिक सा इंग्रेडिएंट्स जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस डिश को कंप्लीट करने के लिए। तो राइस डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर कि आप इसको केयरफुली मिक्स करो एंड जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो। सो ये डिश तैयार होने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। जैसे ही घी गर्म होता है मिर्ची डाला, मिर्ची के बाद राइस डाला, राइस के बाद उसमें टेस्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा नमक डालना है एंड नमक डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हो अच्छे से। सो अब ये मुझे रेडी दिख रहा है तो मैं इसे ज़्यादा देर नहीं पकाने वाली हूँ, मुझे इसको सिर्फ गर्म करना था बेसिकली। एंड इसके बाद आप इसको गार्निश करने के लिए हरी धनिया का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हरी धनिया के बाद इसका जो तीखापन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है एंड उससे ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। एंड मैं कभी कभी चिली फ्लेक्स भी यूज़ करती हूँ टू मेक इट लुक मोर कलरफुल एंड एड सम स्पाइस इन टू दिस। सो बेसिकली इस डिश का नाम है, हम तो घी नमक चावल के नाम से ही जानते हैं बचपन से, दिस इज़ वेरी देसी डिश। बट हाँ, अगर आपके पास एक कोई अच्छा नाम है इस डिश के लिए तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर मुझे किसी का नाम पसंद आया तो मैं अपनी डिश को वही नेम दूंगी। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड डिश की तरफ, जो कि है फ्राई राइस, यू कैन से इन होम स्टाइल। सो फ्राई राइस बनाने के लिए भी हमें बहुत बेसिक से इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए द बची हुई राइस, जो भी आपके घर की रिमेनिंग राइस है। एंड उसके बाद हमें चाहिए कुछ चॉप्ड अनियंस। तो आप देख ही रहे हैं मैंने इसकी चॉपिंग कैसे की है, आप चाहें तो स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। एंड थोड़ी सी हरी मिर्च, एक चुटकी टर्मरिक एंड साल्ट ऑफ कोर्स, तो आप टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं एंड हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ये हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिक से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है हमें ये बनाने के लिए। एंड फिर हमें चाहिए एक पैन जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, आप इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आपको टेस्ट कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल या घी। एंड उसके बाद हमें जीरे का तड़का लगाना है इसमें। सो जीरे के तड़के से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो जीरे का तड़का लगाने के बाद हमें इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है एंड हरी मिर्च के साथ साथ हमें इसमें एक चुटकी हल्दी भी ऐड करनी है टू गिव इट अ कलर। एंड जैसे ही ये थोड़ा सा लाल हो जाए हमें इसमें अनियंस ऐड करनी है, जो भी हमारी चॉप्ड अनियंस है।
सो मैंने ओनियंस ऐड कर दिया है एंड उसके बाद हमें ओनियन को थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में ना हो जाए। तो ओनियन जैसे ही आपका पूरा फ्राई हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए, तब आपको इसमें ऐड करनी है अपनी राइस। मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ एंड राइस ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। सो मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक मिला सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से एंड यस योर डिश इज रेडी। सो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे पास गार्निशिंग के लिए उस टाइम धनिया अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसकी गार्निशिंग नहीं की है, बट इट्स लुकिंग वेरी टेम्पटिंग बिना धनिया के भी। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी यूज कर सकते हो, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एंड यस, दिस इज द टू सिंपल रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स ऑफ योर्स टू मेक दिस डिश एंड ये बहुत ही टेस्टी होता है एंड आपकी राइस भी यूज हो जाती है। सो गाइज, मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी एंड इन दोनों में से कौन सी रेसिपी आप ट्राई करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड यस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।